मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक वक्त का खाना तो मुफ्त कर दिया और नियम बना दिए कि खाना कैसा और कब दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद व्यवस्था को पलट कर देखने वाला शायद कोई नहीं है, या यू फिर यू कहे कि चोर के हाथ में ही चाबी है। बुरहानपुर से मिड डे मील पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में लगभग 19,000 स्कूली बच्चे हैं, जिसमें प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले लगभग 12,000 और माध्यमिक शाला में लगभग 7,000 बच्चों के मध्याह्न भोजन पर डाका पड़ रहा है। बच्चों को न तो मेन्यू के मुताबिक और न ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। कई स्कूलों में छात्र संख्या 400 होने के बावजूद महज 30 से 50 बच्चे ही भोजन कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन सभी की अटेंडेंस दिखा रहा है। अभी कुछ बच्चियों के जैसे मौसमी बीमारी के हिसाब से भी वो अपने टिफिन वगैरह भेजना पसंद करते हैं और बच्चों की रुचि के हिसाब से भी वो अपने माता पिता से जिद करते, तो जो टिफिन वो भेजना चाहते तो उसमें कोई रोक तो हमारे तरफ से नहीं है, लेकिन जो मध्याह्न भोजन है वो मेन्यू अनुसार आता है और वो सारा से वितरित किया जाता है। तो आज की उपस्थिति कम है थोड़ी, बच्चे क्या है छोटे बच्चे थोड़े घर पे उनको खाने वाला परिवार का स्वाद अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा खाने के लिए भी वो थोड़ा सा खाते छोड़ देते थोड़ा सा खाने के लिए। उन्होंने तो फिर वो संख्या कैसे लिखी गई? ऐसा नहीं वो संख्या लिखी कैसे सबसे प्रेजेंट बच्चे थे उनको उसका भोजन प्राप्त हुआ उसके आधार पर। बुरहानपुर जिला पंचायत ने आदर्श धार्मिक परमार्थिक एवं शैक्षणिक संस्था इंदौर को बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए ठेका दिया है, जिसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध भी कराया जाता है। खाना पकाकर स्कूल तक भेजने के लिए प्राइमरी स्कूल में प्रति छात्र 5 रुपए 45 पैसे और मिडिल स्कूल में 8 रुपए 17 पैसे तय किए गए हैं, लेकिन जो खाना भेजा जा रहा है उसे देखकर तो जान पर भी मुंह मोड़ लेते हैं। बच्चों की बात ही क्या की जाए। आज की उपस्थिति टोटल कितनी है? आज 87। और खाने वाले बच्चों की संख्या आपने कितनी लिखी है? 87। तो पूरे बच्चों ने खाना खाया आज? नहीं, कुछ बच्चे नहीं खाते, जो हॉस्टल के बच्चे हैं नाश्ता करके आते तो फिर 87 बच्चों ने कैसे खाया आपने जो लिखा है? ऐसा क्यों लिखा आपने? नहीं, जब बच्चे नहीं खाए तो उतने बच्चे माइनस होना चाहिए थे, आपने क्यों लिखा? कितने बच्चों का भोजन आया था आज? चालीस का आया, तो फिर आपने 87 का लिखा इसमें। तो जब हमारी टीम भारत मैदान प्राइमरी स्कूल पहुंची तो यहां बैठे छात्र छात्राओं ने बताया कि वो अपना टिफिन साथ लेकर आते हैं। बच्चों को भी लगता है कि स्कूल में मिलने वाला खाना खाने लायक नहीं है। थोड़ी कभी रोटी ज्यादा होती है और बहुत कड़क भी होती है, पूरी तो बहुत कड़क होती है, अच्छा। खाई भी नहीं जाती। अच्छा। और कभी कभी जो पानी है ना बदला बदला रहता सब्जी वाला। अच्छा। हाँ, सब्जी पतली पतली होती है। अच्छा। अच्छा नहीं लगता, यानी स्वाद नहीं होता भोजन में। हाँ, मनी कर रहा है, स्वाद भी नहीं होता है, कभी टेस्ट नहीं किया। अच्छा। कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं लेते। क्यों नहीं खाते बेटा? इसके बाद हम जा पहुंचे उस रसोई में जहां खाना बनता है, तो साफ सफाई की पोल भी खुल गई। चारों तरफ गंदगी पसरी पड़ी थी, खाने के साथ मक्खियों की भरमार थी। भोजन बनाने के लिए लकड़ी और घरेलू गैस का उपयोग हो रहा था, हालांकि संचालक ने कहा कि वो जल्द ही व्यवस्था सुधार लेगा। हम तो जो बच्चे वो पूरा डिमांड करते हैं उतनी पूरी देके आते हैं, कई बार कम पड़ जाता तो और देने जाना पड़ता है कि भाई बच्चे कम मतलब खाना कम पड़ गया तो और लेके आओ। मैं पूरा मैनेज देखता हूँ क्या है। हाँ, मध्यान्ह देखा गया गंदगी काफी ज्यादा है। जी ठीक है, अब आपने बोला तो हम सुधार कर लेंगे सर। हाँ, मक्का बहुत आप ठीक है ना, कल से मतलब अभी से आपसे भी ज्यादा करा लेंगे। अधिकारियों से बात करो तो लगता है उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा व्यवहार करते हैं मानो अब जानकारी लगते ही निरीक्षण कर दोषियों को पकड़ लेंगे, व्यवस्थाओं को सुधार लेंगे। अधिकारी चाहे जो हो जांच का भरोसा जरूर दिलाता है। इसकी विजिट कर ली जाएगी, यानी जहाँ पर ये भोजन बन रहा है एकीकृत भोजन, वहाँ पर साफ सुथरा माहौल
जारी किए जाएंगे। अभी तो ये कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कुछ अगर इस बात है तो हम जांच जरूर कराएंगे। दरअसल सरकारी स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है और जिम्मेदारों का मानना है कि गरीब की सुनने वाला और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शायद इसलिए भ्रष्टाचार का सीना दिन पर दिन चौड़ा होता जा रहा है। एक फैक्टर ये भी कह सकते हैं कि जिनके जिम्मे व्यवस्था है और जिनके जिम्मे जांच है, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सराज एक्सप्रेस के लिए बुरहानपुर से दीपक सोहले की रिपोर्ट। क्या